उम्मीद है अभी तक आप मीडिया लाइब्रेरी से तंग नहीं आए बिकॉज देर इज़ मोर टू लर्न अबाउट द मीडिया लाइब्रेरी मीडिया लाइब्रेरी इज़ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं छोटी छोटी जो अगर आप जरा ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे यू विल बी एबल टू लर्न मोर वर्ल्ड प्रेस आम हालात में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं जो कुछ पावर यूज यूजर्स यूज़ करते हैं कुछ पावर यूजर्स यूज नहीं करते आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी फीचर सही है कौन सी फीचर आप रेगुलरली रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज करेंगे कौन सी फीचर कम यूज़ करेंगे बट वाई यूर लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अ लिटल बिट अबाउट ऑल दीज फीचर्स सो अब आ जाते हैं हम एडिटिंग फाइल पे फाइल को एडिट करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप वर्डपेस पे फाइल अपलोड करते हैं सर्टन प्रॉपर्टीज एंड सर्टन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट फाइल दिस डेटा इज कॉल्ड एज मेटर डेटा और मेटा डेटा को आप एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करने के बाद आप इस मेटा डेटा से ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स में अपनी सर्च कैपेबिलिटीज में विच वील बी टीचिंग यू बट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू विद अ फाइल यू कैन सिंपली एडिट इट आप एडिट कैसे कर सकते हैं आप ग्रिड व्यू में होंगे तो आप अपनी फाइल पर जाएंगे और आप उसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक खुल जाएगा, वहां पे आप उसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं उसका टाइटल एडिट कर सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं उसका ऑल्ट टेक्स एडिट कर सकते हैं उसका कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं लिस्ट व्यू में द स्क्रीन चेंजेस अ लिटिल बिट बिकॉज आपकी फाइल एक नए विंडो पे खुलेगी और वहाँ से आप इसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं दीज फीचर्स आर सच एज द टाइटल द टाइटल दैट यूजर्स विल बी एबल टू यूज टू रिकोगनाइज योर इमेज या उसका कैप्शन या उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट तो ये कुछ फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं क्वेश्चन आपके जेहन में शायद आए कि कैन आई इनहेंस द मीडिया लाइब्रेरी आप मीडिया लाइब्रेरी को डेफिनेटली इन्हेंस कर सकते हैं तो दे आर लॉट ऑफ प्लग अवेलेबल आउट देयर विच कैन हेल्प यू इनहेंस द फीचर्स ऑफ द मीडिया लाइब्रेरी मीडिया लाइब्रेरी में आप नई नई फीचर्स एड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इजी फॉर यू टू यूज टू मेक इट मोर पावरफुल पावरफुल यूजर्स और पावर यूजर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मीडिया लाइब्रेरी को एक एडवांस तरीके से यूज़ करें विच इज़ नोन एज द इन्हैंस्ड मीडिया लाइब्रेरी एक और क्वेश्चन आपके जेहन में आएगा कैन आई एड फोल्डर्स टू द मीडिया लाइब्रेरी बाई डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रेस डज नॉट अलाउ यू टू एड फोल्डर्स लेकिन अगर आप फोल्डर्स एड यूज करना चाह रहे हैं तो फोल्डर्स आप एड कर सकते हैं यूजिंग अप लगेन कॉल्ड वर्ड प्रेस मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स ये प्लग आपको अलाउ करेगा कि आप नए फोल्डर्स अपनी मीडिया लाइब्रेरी में डाल सकते हैं और उन फोल्डर्स की मदद से आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो so अब हम मीडिया लाइब्रेरी में सबसे पहले एक इमेज को एडिट करने का तरीका सीखेंगे विल गो टू आर वेबसाइट एंड वी लॉग इन लॉग इन करते ही आपके पास लेफ्ट पे एक मीडिया लाइब्रेरी की ऑप्शन आएगी आप उसको देख सकते हैं या आप करंट इमेज को एडिट कर सकते हैं या आप किसी नए इमेज को भी एडिट कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये इमेज अभी रिसेंटली डाला था इस्लामाबाद का एंड आई रियली लव दिस इमेज तो आई कैन जस्ट एडिट डिफरेंट पोर्स ऑफ इट आई कैन एडिट द टाइटल इसका टाइटल पाकिस्तानी होना चाहिए इसका टाइटल होना चाहिए इस्लामाबाद इसका कैप्शन होना चाहिए इस्लामाबाद ब्लू एरिया और इसी तरह कोई डिस्क्रिप्शन या आल टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं

अब आप देखें उसका कैसा इमेज चेंज हो गया है एंड आई कैन ऑल्सो मेक दिस इमेज स्मॉलर आई कैन क्लिक ऑन स्केल टू मेक दिस इमेज स्मॉलर तो आप देखें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज uh, हो गई हैं तो दिस इज हाउ यू कैन एडिट एन इमेज बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो जहन में आपने याद रखनी है कि हर फाइल फोल्डर के लिहाज से अपलोड होती है सो so, जो भी फोल्डर उसमें करंटली मंथ के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस तरह सारी फाइल्स अक्टूबर में अपलोड हो रही हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ है सो कीप दिस इन माइंड के फोल्डर्स आर मेड बेस्ड ऑन मंथ एंड वी विल ट्राई अ प्लग इन कॉल्ड एनहैंस मीडिया लाइब्रेरी जिससे हम देखेंगे कि वर्ड कैसे इस मीडिया लाइब्रेरी को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करते ही वी विल गो बैक टू द मीडिया लाइब्रेरी एंड वी विल सी कि इसमें क्या इनहेंसमेंट्स आई हैं सो आप देख रहे हैं कि मीडिया लाइब्रेरी का थोड़ा सा फॉर्मेट अब चेंज हो गया है एंड दिस इज वट दिस प्लग इन एक्चुअली डज इट ऑल्सो लेट्स यू एड कैटेगरीज टू मीडिया विच अदरवाइज इन वर्ड प्रेस इज नॉट अवेलेबल तो ये आपको कैटेगरीज ऐड करने में भी, भी इसकी ऑप्शन uh, देता है यू कैन ऐड मोर डिटेल्स एज वेल कैटेगरीज में जाके आप इसकी नई कैटेगरीज बना सकते हैं और भी बहुत फीचर्स हैं इन्हेंसमेंट्स हैं जो आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं एक और प्लग जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है लेकिन उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ इट्स कॉल्ड मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट इसको एक्टिवेट करके आप uh, नई तरह की फाइल्स जो वैसे वर्ड प्रेस अलाउ नहीं करता उसको अपलोड कर सकते हैं एंड अब आप, आप देख रहे हैं कि आपके पास नई फाइल टाइप्स आ गई हैं सो विल गो टू द मीडिया असिस्टेंट एंड वील सी के क्या नई फीचर्स ऐड हुई हैं सो so आप देख रहे हैं कि न्यू फीचर्स हैव हाँ बीन एडेड टू तो योर मीडिया नोन एज द मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट सो ये कुछ प्लग इन्स हैं विच यू शुड यूज़ टू एनहैंस यूर मीडिया लाइब्रेरी एक्सपीरियंस एंड बिकम अ पावर यूजर पावर यूजर बन के ही आप वर्ड को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं Whether you are a freelancer, whether you are an entrepreneur or a smart worker,